चलिए दोस्तों, इस बार हम आपको ले चलते हैं पहाड़ों की एक और वादी पार्वती वैली के बीच में। हम जिस गांव की आज बात कर रहे हैं उसका नाम है तौश। तौश गांव पार्वती वैली के बीच में बसा एक छोटा सा गांव है। ये मणिकरण से अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर के आसपास, तो आप मणिकरण से बस लेके गाड़ी लेके बरशैनी तक पहुंच सकते हैं और बरशैनी से भी रास्ता तौश तक जाता है। जब आप तौश पहुंचेंगे तो आपको बाहर से ही तौश बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। इसके साथ में बहती हुई जो नदी है, चश्मे हैं, उससे आप आइडिया लगा लेंगे कि ये यहाँ से एक जो नाला शुरू होता है वो बरशैनी जाकर पार्वती नदी में समा जाता है। इस गांव की खूबसूरती देखने में ही बनती है। आपको दूर से ही छोटे छोटे चश्मे यहाँ पे गिरते दिखाई देंगे, गांव की खूबसूरती दिखाई देगी। गांव में छोटे छोटे जो मकान हैं लकड़ी के वो दिखाई देंगे आपको। जब भी आप इस गांव में एंटर करेंगे तो सबसे पहले एक पुल आएगा। पहले ये लकड़ी का बना होता था लेकिन अब ये लोहे का बन चुका है। तो इस पुल से गुजर के आप इस गांव में दाखिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आने का खूबसूरत समय वो है मार्च से लेकर अक्टूबर तक। तो इस समय जहाँ पे जो मौसम है बहुत ही खूबसूरत रहता है, आप कभी भी कहीं भी आप इस गांव में टहल सकते हो। ये पहाड़ी गांव में बहुत सारे घर अभी भी आपको लकड़ी के बने हुए दिखाई देंगे और इनकी विशेषता यही है कि ये बाहर से आने वाले लोगों को अपने ओर आकर्षित करते हैं। इनकी एक स्पेशल जो इनका अट्रैक्शन है, खिंचाव है। तो ये गांव की छोटी छोटी बातें आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पे। लेकिन ये गांव अभी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं लेकिन पूरे संसार में इसका जो अपना एक इसने स्पेस बनाई है, तो पूरे विश्व से जहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, इसलिए विदेशियों के लिए ये गांव प्रमुख केंद्र बन चुका है। तो कई बार तो बहुत सारे लोग इसको हिप्पी गांव भी बोलते हैं, क्योंकि पार्वती वैली का ये आखिरी गाँव है। तो इसलिए टूरिज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। टूरिज्म डेवलप होने की वजह से ज़्यादातर आपको अब जो घर है वो मिट्टी पत्थर या लकड़ी के ना बने होकर यहाँ पे कंक्रीट के बन चुके हैं। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे जैसे गांव के लोग यहाँ पे उनको मुनाफा होता जा रहा है, पैसे आते जा रहे हैं, वो अपना बिजनेस और बढ़ा रहे हैं और बाहर से बहुत सारे लोग आके यहाँ पे जो ये मकान बनाते हैं इनको किराए पर भी लेते हैं, ठेके पर भी लेते हैं। ऐसा टूरिज्म भी यहाँ पे डेवलप हो रहा है। और इस गांव की एक और विशेषता कि इसको इस गांव के बीचों बीच एक मंदिर बना हुआ है, जगदाग्नि देवता का मंदिर। ये गांव के बीच बीच में जो आपको दिखाई देगा लकड़ी से बना ये खूबसूरत मंदिर है। तो इधर जो भी गाँव है ये ट्राइबल गाँव, इन मंदिरों में आने की अनुमति ज़्यादातर नहीं होती। तो अगर कोई भूल से इस एरिया में बैठ जाता है या इनको टच कर लेता है, जैसे ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं, मंदिर दिखाई देता है, तो उसको फाइन देना पड़ता है यहाँ पे। इसलिए आप जब भी यहाँ पे आएँ इनका थोड़ा सा इनकी रिस्पेक्ट करें, इनका थोड़ा आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। तो जैसे जैसे आप इस गांव से गुजरते हैं आपको बहुत सारे खूबसूरत मकान दिखाई देंगे, लोग दिखाई देंगे काम करते हुए, आराम से बातें करते हुए, और गांव के बीच बीच में से बहुत सारे
जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो नीचे से जो बजरी है, पत्थर है, सीमेंट है, वो गांव से नीचे पुल से लेकर गांव तक लाया जाता है घोड़ों के द्वारा, खच्चरों के द्वारा। तो गांव के अंदर बहुत सारे ट्रेडिशनल जो काम अभी भी होते हैं, जैसे अभी आप देख रहे होंगे जो भेड़ें बकरियों का जो बाड़ा आपको दिखाई दे रहा है, तो इस ट्रेडिशनल काम में लोग अभी भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो इनकी जो भेड़ें बकरी हैं, ये ऐसा नहीं कि हमारे प्लेन जो मैदान के इलाके वैसी हैं, इनकी नस्ल का भी फर्क है और जो इनसे ऊन निकलती है उससे ये बहुत सारे अपने जो सर्दी के लिए कपड़े बनाते हैं, स्वेटर बुनते हैं, तो इनकी जो ऊन है बहुत ज़्यादा महंगी भी बाहर इनको बेचते हैं और इनसे दूध का काम भी ये लिया जाता है। तो इनकी ये आजीविका का एक प्रमुख साधन है यहाँ लोगों का। दूसरा, ये अपनी आजीविका कमाने के लिए ज़्यादातर लोग अब टूरिज्म पे डिपेंड हो चुके हैं, तो इसकी खूबसूरती देखने को बनती है। आप मेरे देखने में तो आपको मज़ा आ ही रहा होगा, लेकिन अगर आप खुद यहाँ पे आएंगे तो देखने और अपने अनुभव से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उन्हें बहुत फर्क होता है। इसलिए आप जब भी यहाँ पे आइए तो इस गांव की खूबसूरती, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ का वातावरण, यहाँ की खूबसूरती को आप मान सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो आप गांव में दिखाई देंगी उन सब चीज़ों को शब्दों में और या वीडियो में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। हम सिर्फ उसका छोटा सा एक पक्ष ही पकड़ पाते हैं जब भी हम उसकी बातें करते हैं या वीडियो दिखाते हैं। टोटैलिटी में या पूरे रूप से आप खुद ही आके यहाँ पे उसको देख सकते हैं। इसलिए ये गांव की खूबसूरती है, इनका कल्चर है, जो लोग कैसे रहते हैं, सर्दी में कैसे रहते हैं, इनकी फसलें क्या क्या हैं, और ये सब आपको यहाँ पर आके ही पता लगेगा। ये तोश गांव है जो बरशैनी पंचायत के अंतर्गत आता है, उसकी पंचायत के जो फैसले होते हैं वो इस गांव पे भी लागू होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये गांव इतना मशहूर हो गया है कि यहाँ पे सब तरह के लोग हैं, जो इंडिया से आते हैं, बाहर से आते हैं, तो सब यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं। आप भी कभी आइएगा तो इस गांव में एंजॉय करिए। तो इस गांव से आगे भी निकल कर के आपको जो हिमालय का ग्लेशियर दिखाई देगा, बहुत ही खूबसूरत ग्लेशियर है। तो इस गांव से निकल कर आप बहुत खूबसूरत खेतों में से गुजर के आप एक और छोटा सा गांव है जहां पे एक छोटी सी और जगह है जहां पे एक बहुत सुंदर वाटरफॉल है और एक ब्रिज से होके वहाँ तक पहुंचा जा सकता है। तो वो छोटा सा गांव जहां जगह का नाम है कुलटा। कुलटा की खूबसूरती भी देखने वाली है। हम जब जहाँ पर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी, इसलिए हम ज़्यादातर वहाँ पर अपना टाइम या अपना समय वहाँ पे ना बिता सके, हम उसको दूर से ही देख के वापस चल रहे थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप आगे शेयर भी करना और मेरा पेज और मेरा चैनल भी ज़रूर आप सब्सक्राइब करना। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।